तो गाइस पीसीबीएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है अभी देखो गाइज यहाँ पे कंपनी की मार्च रिजल्ट के साथ साथ, इंटर इस कंपनी की लेकिन के बारे में, में डिस्कस करने वाले है तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं सो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ने अप्रॉक्सिमेटली थर्टीन हंड्रेड नाइन पॉइंट फोर थ्री इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोसी 1371.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली 1230.97 करोड़ का इनकम तो मार्च 2023 के क्वार्टर में पीसीबीएल ने बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसि

2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 9.03 परसेंट एंड मार्च 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 8.86 परसेंट तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड टू पॉइंट टू एट करोड का प्रॉफिट पोस्ट किया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोसिमेटली नाइनटी सेवन पॉइंट वन फाइव करोड का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोसीमेटली एटी एट पॉइंट टू सिक्स करोर का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.71 की दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.57 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.34 की तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की सो so, अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखा ही दिखाई है एंड उसके साथ साथ अगर इस कंपनी की एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे मार्च क्वार्टर की तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की इनकम प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ई जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो एट द एंड ऑफ द डे मैं तो यही बोलूंगा कि पी ने मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है

का खर्चा किया है एंड एफआई ट्वेंटी में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटी थर्टी नाइन करोड का खर्चा किया था तो अभी अगर से इन दोनों फाइनेंशियल की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के प्रॉफिट मार्जिन अप्रोसीमेटली निकल के आ रही है टेन परसेंट के आसपास एंड इफ वर् ट्वेंटी ट्वेंटी टू की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर्ट अराउंड इलेवन पॉइंट एट एट परसेंट तो अनफॉर्चुनेटली कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली फोर फोर्टी करोड का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड डिसंबर ट्वेंटी के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली फोर ट्वेंटी सिक्स

तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो FY 2023 में इस कंपनी ने फिफ्टी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड फिफ्टी जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एट तो दी एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्वार्टर में सॉरी इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 में ठीक ठाक ही परफॉर्म की है बाकी मार्च क्वार्टर लेके जो रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आई है लेकिन एफआई ट्वेंटी ट्वेंटी का जो रिजल्ट है वो मार्च क्वार्टर लेके रिजल्ट की तरह उतना बढ़िया तो नहीं है लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एफ आई में कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है एफ आई के जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है मतलब कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन एफ आई तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ